दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी जो है मोटरोला का मोबाइल है और आपके मोबाइल की डिस्प्ले पर जो है बार बार एड्स आते हैं, आप लोग जैसे अपने मोबाइल में किसी भी ऐप को चलाते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो है एड्स आ जाते हैं और आप लोग इन एड्स से जो है परेशान हो चुके हो, लेकिन अभी तक आपके मोबाइल में जो है ये एड्स हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये एड्स जो है बंद हो जाएंगे, आपके मोबाइल में एक भी ऐड नहीं आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन एड्स को अपने मोबाइल में जो है हमेशा के लिए परमानेंटली बंद कर सकते हो। इस वीडियो में आपको जो है कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, वो सेटिंग आपके मोबाइल में जो है ऑन हुई है जिसकी वजह से आपके मोबाइल में एड्स आते हैं, तो आपको जो है उन सेटिंग्स को बंद कर लेना है, तो आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो एड्स आना बंद हो जाएंगे। तो कौन सी सेटिंग है, कैसे आपको ऑन ऑफ करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं किया तो अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप फटाफट शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है सेटिंग को ओपन कर लिया। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऊपर ही ऊपर एक जो है सर्च सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो है सर्च सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है एड्स, ADS आपको यहाँ पर सर्च करना। अब दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे एड्स, तो आपके सामने यहाँ पर जो है एड्स नाम से एक सेटिंग आएगी, तो आपको जो है सेटिंग पर आपको एड्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में जो है ये सेटिंग ऑन हुई होगी एड्स वाली, तो आपको जो है सिंपली से सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन ऑफ करना है। आपके मोबाइल में ये ऑन हुई होगी तो आपको जो है सबसे पहले इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड सेटिंग क्या करनी है, अभी आपके मोबाइल में पूरी तरह से जो एड्स हैं वो अभी बंद नहीं हुए, अभी आपको जो है पूरी वीडियो को देखना है और मैं आपको जो जो सेटिंग बताऊँ वो सारी करनी है, तभी आपके मोबाइल में एड्स जो है बंद होंगे, डिस्प्ले एड्स। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो है नीचे आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक सेटिंग दिखाई देगी, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गूगल नाम से, तो आपको जो है इस गूगल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब जैसे आप लोग यहाँ पर जो है गूगल पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर एड्स का, ADS एड्स का, तो आपको जो है सबसे पहले एड्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले रीसेट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर आपको क्लिक करना है और डिलीट एडवर्टाइजिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ, तो आपको दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको जो सेटिंग वो करते रहना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन, पर आपको यहाँ पर सिंपली से क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा एंड प्राइवेसी का, तो आपको जो है डाटा एंड प्राइवेसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। जैसे आप लोग इसको ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना है पर्सनलाइज्ड एड्स में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर माई एड सेंटर का, यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो आपको जो है माई एड सेंटर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऊपर ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों पर्सनलाइज्ड एड्स का, जो कि ऑन हुआ होगा आपके मोबाइल में, ये ऑप्शन जो है ऑन हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में जो है गूगल बार बार एड्स आपको शो करता है, आपको एड्स दिखाता है, तो आपको जो है सिंपली से इस ऑप्शन को ऑफ करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑन पर, आपको जो है इसको नीचे दिख रहा है टर्न ऑफ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑफ कर लेना है। तो ये ऑप्शन मेरा ऑफ हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको जो है सेटिंग्स को सिंपली से ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है बैक आना है, बिल्कुल बैक आ जाना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो एड्स आना बंद हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी आपके मोबाइल में जो है पूरी तरह से एड्स बंद नहीं हुए हैं, तो आपको दोस्तों और क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है सिंपली से आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है क्रोम को ओपन कर लिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में यहाँ पर आपको एक एरो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आपको इस तरह से थ्री लाइन दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे सेटिंग्स का, तो आपको जो है सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। जैसे आप लोग इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ साइट सेटिंग्स का, तो आपको जो है साइट सेटिंग्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी सेटिंग्स आएगी। अब मैं आपको जो जो सेटिंग बताऊँ
वो सेटिंग आपको अपने मोबाइल में ऑफ कर लेनी है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो है एड्स आना बंद हो जाएगा, कोई भी ऐड आपके मोबाइल की डिस्प्ले पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले सेटिंग की बात करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कुकीज़ का। तो आपको जो है सिंपली से कुकीज़ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके मोबाइल में जो है कुकीज़ ऑन हुई होगी। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लॉक थर्ड पार्टीज कुकीज़ का, यहाँ पर आपको तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन आपके मोबाइल में ऑफ हुआ होगा, तो आपको सिंपली से इसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो आपको इसको जो है ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो है सेकंड सेटिंग क्या करनी है, आपको यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉप अप एंड रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको जो है पॉप अप पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये वाली सेटिंग ऑन हुई होगी, तो आपको सिंपली से इसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और सेटिंग दिखाई देगी, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर एड्स नाम से। तो आपको सिंपली से एड्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये वाली सेटिंग आपके मोबाइल में जो है ऑफ हुई होगी या फिर जो है ऑन हुई होगी। तो आपको जो है सिंपली से सेटिंग्स को ऑफ कर लेना, अगर आपके मोबाइल में ऑन हुई है तो उसको ऑन कर ऑफ करना है, और अगर ऑफ है तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बस इतनी जो है मैंने जो सेटिंग बताई वो आपको अपने मोबाइल में कर लेनी है। तो अब आपके मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो एड्स आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके मोबाइल में जो है कोई भी ऐड नहीं